Hello, and you're watching Clap Trap. We're back again, and this episode is particularly dedicated to all the viewers, those who wanted to know about interior designing. इंटीरियर डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो हमने शुरू की थी लगभग 3 महीने पहले। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, और हमने बताया था कि टोटल 12 मॉड्यूल्स होंगे जो कि अलग अलग एपिसोड्स में डिवाइडेड होंगे। अनफॉर्चुनेटली जब हमने एपिसोड 1 किया, यानी कि मॉड्यूल नंबर 1, उसके बाद में बहुत सारी रिक्वायरमेंट आने लगी कि मूड बोर्ड, कलर्स, कलर स्कीम, मोनोक्रोमेटिक स्कीम, कलर व्हील के बारे में बताएं। तो हमने थोड़ा डाइवर्ट किया और पूरे मॉड्यूल को हमने क्विकली रैप अप किया, जो कि अब हम नहीं करेंगे। वी हैव डिसाइडेड टू फॉलो द वे इट इज़ सीक्वेंशलाइज्ड। जिस तरह से ये मॉड्यूल्स हमें मिले हैं इंस्टीट्यूट से, वैसे ही इनको फॉलो करेंगे। टोटल 12 मॉड्यूल्स हैं। एक मॉड्यूल को कोशिश करेंगे, जैसे कि ये मॉड्यूल नंबर 1 है जिसको हम ऑलरेडी हाफ कर चुके हैं, इस एपिसोड में रैप अप करेंगे। कोशिश करेंगे इस एपिसोड में रैप अप हो जाए, अदरवाइज़ 2 एपिसोड में करेंगे। उसके बाद में जितने भी मॉड्यूल्स हैं लाइक 2, 3, 4, 5 to 12, वो सारे के सारे थोड़े टेक्निकली हाई हैं, उनको सिंपल करेंगे। लैंग्वेज इज़ गोइंग टू बी इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स्ड, सिंपल इंग्लिश, सिंपल हिंदी, सो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस। 12 मॉड्यूल्स, ये सब क्लियर हो गया। आपको बता दें कि पिछले एपिसोड्स को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लगा रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से एपिसोड्स थे। ये मॉड्यूल 1 है। इस मॉड्यूल को रीकैप में है, यानी कि उस मॉड्यूल का मॉड्यूल नंबर 1 इज़ बीइंग रीकैप्ड इन दिस एपिसोड, सो यू नो व्हाट इज़ दी बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। इंटीरियर डिज़ाइन पर से इज़ सूटेबल फॉर द पीपल, किन लोगों के लिए है वहाँ से बताना शुरू करते हैं। ये कोर्सेज़ उन लोगों के लिए हैं जो कि बहुत अपेरेंटली 3 कैटेगरीज़ के लोग हैं, जो कि अपने स्पेस को खुद अपने हिसाब से रीडिज़ाइन करना चाहते हैं या एक रिक्रिएट करना चाहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो कि आर्ट एंड फाइन आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तीसरा जो कि ऑलरेडी प्रोफेशनल है या एज अ करियर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग को एज अ करियर अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, ये उनके लिए कोर्सेज़ होते हैं। बेसिकली मैंने ये इसलिए सीखा है बिकॉज नॉट दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट माई एम्बियंस लिटिल बेटर, आई वॉन्ट टू एनहेंस इट, आई वॉन्ट टू मेक इट लुक ब्यूटिफुल, आई वॉन्ट टू मेक इट लिटिल मोर वर्केबल। तो इसलिए मैंने ये कोर्स शुरू किया और वही मैं आपसे शेयर करना शुरू कर रहा हूँ अभी। तो हमने सोचा कि आपको शेयर करेंगे ये सारी एपिसोड्स। अब बताते हैं आपको कि बेसिक इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता क्या है। दोस्तों, जब भी आप किसी स्पेस में एंटर करते हैं, नो मैटर व्हाट इट बिलोंग्स टू, इट इज़ अ कमर्शियल एरिया और मे बी इट इज़ अ बार और अ रेस्टोरेंट और अ होटल और मे बी होटल रूम और मे बी समबडीज हाउस, आपने नोटिस किया होगा आप किसी के घर में जाते हैं तो अगर वो ढंग से डिज़ाइन किया होता है तो आपको एक बहुत ऑफ फीलिंग आती है, और अगर वही ठीक से डिज़ाइन नहीं किया होता है तो आपको एक रेस्टलेसनेस क्रिएट होती है। इसी तरह से एक अच्छे मॉल के अंदर अगर आप नोटिस करें तो आप ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, क्योंकि दीज मॉल्स आर डिज़ाइंड दैट वे, उन सब की डिज़ाइनिंग वैसे की होती है। उसी तरह से स्टोर्स हैं, जो फर्नीचर स्टोर हैं, उनकी भी डिज़ाइनिंग वैसे होती है कि वो आपको ज़्यादा मजबूर करते हैं। इट एक्चुअली दे कंपेल यू टू शॉप लिटिल मोर। सो बेसिकली नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इंटीरियर डिज़ाइन बेसिकली आपके इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स पे काम करता है, या आपके सारे सेंसेस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है। प्रॉपर्ली डिज़ाइंड हाउस या प्रॉपर्ली डिज़ाइंड स्पेस आपके सेंसेस को एक्टिवेट करेगा, और इम्प्रॉपरली डिज़ाइन स्पेस वो उसको डीएक्टिवेट करेगा। आप में रिपल्शन, आप में हेट्रेट, आप में उस तरह की उस स्पेस को छोड़ के जाने का दिल करेगा। तो ये सारी चीज़ें एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग से होती हैं। एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ स्पेस के कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं जो हमने पहले नहीं बताए थे, आपको वो बता दें कि बेसिकली जब भी किसी स्पेस में आप जाते हैं तो ये आपके सेंसेस को एक्टिवेट करता है। द फर्स्ट सेंस दैट एक्टिवेट्स इज़ योर विजुअल, यानी कि जो आप देखते हैं, जो आपको दिखाई देता है, वो बेसिकली दिखने में बहुत अच्छा, कंफर्टेबल होता है, आपको कोजी बना सकता है, आपको एपेटाइट, आपकी भूख बढ़ा सकता है। मे बी इट मेक्स यू फील रोमांटिक, मे बी इट मेक यू फील लिटिल मोर कंफर्टेबल सिटिंग इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, अगर वो प्रॉपर्ली डिज़ाइंड है। दूसरा होता है वो है स्मेल। द मोमेंट यू एंटर दिस अ स्पेस का अपना एक खुशबू होती है। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको इस्तेमाल करने से वो स्पेस ज़्यादा अच्छा स्मेल करते हैं। एंड देन द टच, टच इज़ विद योर स्किन, चाहे वो आपके फीट हों, आपके पैर हों, या फिर आपके हाथ हों। द मोमेंट यू एंटर इनसाइड अ पर्टिकुलर स्पेस, यू अपैरेंटली टच थिंग्स, To start with, you start touching the floor, then the fabric, the way you sit on the sofa. आने वाले वीडियोस में हम जब भी सोफ़ा एक्सप्लोर करेंगे या पहले वीडियोस में हमने किया है, तो हम हमेशा बताते रहे हैं कि बैठने के बाद में जब आप फैब्रिक को फ़ील करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट फीलिंग है जो सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन पे फंक्शन करता है। इसके अलावा जो आप देखते हैं कलर्स, फिर लाइट्स, फिर स्मेल, फिर साउंड, उसमें रखे गए ग्रीन प्लांट्स एंड पेंटिंग्स, उसके आर्ट ऑब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो एक अच्छे एम्बियंस को क्रिएट करते हैं। एक अच्छे एम्बियंस को क्रिएट करने के लिए इन सब का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि लाइट, आर्ट ऑब्जेक्ट्स, फ्लोरिंग, टच, फैब्रिक, स्मेल, और इसके अलावा जो उसमें लाइटिंग इफेक्ट है कि एक पर्टिकुलर एंगल में किस तरह से लाइट आ रही है, वो आपको एक ड्रामेटिक एलिमेंट ऐड करता है या फिर उसमें एक अच्छी इमोशनल वैल्यू ऐड करता है। तो यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो जब आपके ब्रेन पे फंक्शन करते हैं, तो एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन क्रिएट होता है किसी भी स्पेस का। उसके बाद में उसके कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप जिस स्पेस में मूव कर रहे हैं वो कंफर्टेबल है। इसके अलावा वहाँ के लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है कि वो किस टेस्ट के लोग रहते हैं। थीम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने पिछली बार नहीं कवर किया था, लेकिन हमने सीखा कि क्रॉस कल्चर्स हैं बेसिकली। थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो ह्यूमन एवोल्यूशन, जिस तरह से द वे इफ़ यू लुक एट द एंथ्रोपोलॉजिकली हाउ ह्यूमंस डेवलप्ड, शुरू में जिस तरह से लोगों ने ग्रुप्स में रहना शुरू किया, उसके बाद में पीपल स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन होम्स, दैन कॉलोनीज़, उसके बाद में घर, उसके बाद डिज़ाइनिंग, के बाद में कम्फर्ट लेवल और एक लुक क्रिएट करने की आदत हम सब में आ गई। तो जो स्पेस है उसकी खूबसूरती के अलावा उसका प्रॉपर ऑपरेशनल यानी कि उसका वर्किंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी स्पेस में जब आप मूव करते हैं तो वो आपको इनफ स्पेस देना चाहिए। आपने वीडियोस में भी देखा होगा, हमने बताया था पहले कि वार्डरोब्स के खुलने बंद होने के पीछे कैलकुलेशन है, ह्यूमन एनाटॉमी की एक कैलकुलेशन है, वो भी हम अपने कोर्सेज़ में कंप्लीट करेंगे कि जब भी आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ड्राइंग रूम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको डोर से डोर का एक्सेस पता होना चाहिए। कभी कभी हम ओवरसाइज फर्नीचर लेते हैं, कभी कभी हम फर्नीचर को ऐसी जगह प्लेस कर देते हैं जो कि हमारे जो एक्सेस है एक डोर से दूसरे डोर उसको ब्लॉक करता है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जब आपको सेंस आएगा तो ये सारे एलिमेंट्स जो अभी हमने आपको बताए जो आपके सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं, आप उनको यूज़ करना सीख जाएंगे, आप उस एटमॉस्फेयर को थीम देना सीख जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेवियन थीम, कॉकेशियन थीम और ब्रिटिश थीम, पारसी और राजस्थानी और इंडियन और ट्रेडिशनल और मिक्स एंड मैच, ये सारे के सारे थीम्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है कंफर्ट लेवल, जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल के हिसाब से होता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना होता है कि उस घर में लाइफस्टाइल में कितने गेस्ट आते हैं, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से भी एक स्पेस क्रिएट किया जाता है। एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन वही होता है जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्लियर होते हैं। अब इंटीरियर डिज़ाइन की अपनी हिस्ट्री बताई हमने आपको। इसके अलावा आपको बता दें कि आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइन के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। लॉट ऑफ पीपल गेट कन्फ्यूज बिटवीन इंटीरियर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। हमारे कंट्री में आज भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनर्स को बहुत ही ज़्यादा लीगली, बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड लोग नहीं माने जाते हैं प्रोफेशनली, इसलिए लोग इनको अपने हॉबी लेवल पे काम करते हैं। जबकि काफ़ी सारे कंट्री में, स्पेशली यूरोप में, बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, उनको जॉब्स मिलते हैं, उनके बिज़नेस होते हैं और उनके करियर में एक तरह का अगर आप देखें तो प्रोग्रेशन होता है, जो कि हमारे कंट्री में मिसिंग है। अच्छे डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए घर का इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर दे ऑलवेज़ वर्क टुगेदर। तो कभी भी इंटीरियर डिज़ाइनर इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, दे ऑलवेज गेट इन टच विद द आर्किटेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्पेस कि आप उनके साथ मिलके काम करें। ये बेसिक हो गया इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये फ़िलासफ़ी काम करती है। हमने बताया कि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन काम करता है। जब भी किसी स्पेस में आप एंटर करते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, आपको एक्टिवेट करते हैं, उनमें एक नई एनर्जी इन्फ्यूज़ करते हैं, एक नई एनर्जी लाते हैं या उस एनर्जी को ख़त्म करते हैं। यानी कि जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप सूंघते हैं यानी कि स्मेल करते हैं, इस सारे के सारे या जो आप टच करते हैं, ये चार एलिमेंट्स बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे वर्क करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। अगर आप सबको इन सब में इंटरेस्ट आ रहा है, ये सारा हमने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम अपनी वेबसाइट फ्लैश करेंगे, उसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल में इसकी नॉलेज मिल जाएगी। ये हम पूरा मॉड्यूल नंबर 1 का एपिसोड नंबर 1 है। हम कोशिश कर रहे हैं इसको 10 मिनट में कंप्लीट करें। कल के एपिसोड में हम कोशिश करेंगे, अब थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे अगले लेवल पे कल के एपिसोड में, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे द बेसिक एलिमेंट्स, कि कौन कौन से वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो एज अ बिगनिंग में आपको रखना चाहिए ध्यान, कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपको एक विजन क्रिएट करेंगे आपके अंदर, एक क्वालिटी डेवलप करेंगे ताकि आप समझ सकें। जैसे ही उसमें लाइंस सीखेंगे, डायमेंशंस सीखेंगे, लाइट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, बैलेंस के बारे में, हार्मनी के बारे में जानेंगे, और उसके अगले एपिसोड में हम जानेंगे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। डिज़ाइनिंग के, इंटीरियर डिज़ाइन के अपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, रिकैप होना पड़ेगा, बिकॉज you know I don't want to raise the topic, but you know why there was a delay in the videos, and the mind it will take little time to actually gear up. जो energy level है वो बहुत नीचे जा चुका है because of the obvious reasons. I don't want to mention it because you know it already what I'm talking about. तो हमने इसको फिर से शुरू किया है। I hope you will enjoy this video. जाने से पहले अब आपको बता दें, आज से आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है। मॉड्यूल 1 में हम बेसिकली 3 एपिसोड करेंगे जैसे बताया, और उनको डिटेल में बताएंगे। और डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए। हर एपिसोड में, इंक्लूडिंग दिस एपिसोड, एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड यू विल हैव सम एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज है वो करनी है। 3 एपिसोड कंप्लीट होने के बाद में एक असाइनमेंट है जो आपको पक्का डेफिनेटली विदाउट फेल करना ही है, अदरवाइज़ यू कैन नॉट कंप्लीट ऑल द मॉड्यूल्स। आपके अंदर वो जो इंटरेस्ट लेवल है वो बना रहना चाहिए। और एक एक्सरसाइज है जो 3rd एपिसोड के एंड में हम आपको बताएंगे। सो आज के बारे में बता दें, ये एंड ऑफ द वीडियो है अभी। अब आपको बता दें जो आपको एक्सरसाइज करनी है। आई एम सो सॉरी इफ़ आई एम नॉट साउंडिंग ग्रेट, इफ़ आई एम नॉट गिविंग यू टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट वी विल ट्राई टू गियर अप एज वी हैव प्रॉमिस्ड. So now the time to tell you what are the things you're supposed to do. If you have a comfortable situation, please go out in a store जहाँ पे furniture मिलता है. Go to a fabric store जहाँ पे fabrics मिलते हैं and see what kind of fabric is available, what kind of fabric, what kind of furniture, what kind of fixtures are available in the market. This is one. Second is, अगर आपके आसपास किसी society में, किसी building में अगर model house बन चुका है, visit that place. उससे आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा कि आपको वो क्यों अच्छा लग रहा है. यू विल अंडरस्टैंड इट. ये नॉलेज आप अपने तक रखिए, असाइनमेंट में काम आएगा. थर्ड इज़, इफ़ यू हैव अ फ्रेंड जिसका घर आपको अच्छा लगता है, वहाँ पे ऑफ कोर्स होम्स आर होम्स बेसिकली. इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड पीपल अराउंड यू. पीपल मेक होम, नॉट द इंटीरियर ओनली. सो देर आर समटाइम्स वी विजिट प्लेसेस बिकॉज वी लव दोज पीपल. बट अगर आपको कोई घर अच्छा लगता है पर से, तो आप उस घर में दोबारा जाएं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज इन ए सिचुएशन आई डोंट थिंक यू कैन मूव अ लॉट. तो वहाँ जाएं और फिर उसको नोट करें मेंटली कि वो आपको जगह क्यों अच्छी लग रही है. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ यूज़ इंटरनेट. इंटरनेट पे आज आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, बट लेकिन बहुत सारे डिटेल में ना जाएं. स्टार्टिंग में सिर्फ बहुत सारी इमेजेस देखें विजुअली. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ एप्स आर अवेलेबल. एप्स भी आजकल बहुत सारे आ गए हैं जिनके बारे में डिटेल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन मैगज़ीन्स देख सकते हैं. इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर कई सारे वीडियोस और अवेलेबल हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं. और आप गूगल से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं. इमेजेस को डाउनलोड ना करके गूगल पे देख भी सकते हैं ताकि आप अपने आप को अपडेटेड रहें. और अपने सिर्फ इमेजेस को देखना नहीं है, यू हैव टू फिगर आउट व्हाई देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न यू लाइक दैट पर्टिकुलर स्पेस. कि वो जगह में basically just not just because it is in vogue or it is trendy. You need to understand why are you falling in love that in love with that space. Though it is just the visual, because you can't smell, you don't know how does it sound, but still आपको वो space क्यों अच्छा लग रहा है वो पता करें. असली जो exercise होती है वो होती है personal visit करने पे. So this is the end of the video. We will try to gear up as we have been promising. Second video में हम आपको basic elements बताएंगे थोड़ा detail में. 4th episode में कुछ principles बताएंगे और assignment कैसे complete करना है. Sorry, 3rd episode में. So module 1 यानी कि M1/EP1 means module 1 episode number 1 है ये. इसके बाद में आएगा M1/EP2, M1/EP3 यानी कि module 1/episode number 1, 2 and 3. This is how we want to do it. I hope you will forgive me for being a little short and formal. we will try to gear up more information coming your way. Meantime, नीचे description box में पिछले videos को भी आप देख सकते हैं, उनका भी link share करेंगे. Till then, take care, bye bye, stay safe, stay good.